हेलो स्टूडेंट्स, आपको पिछली क्लास में मैंने आपको ये जो tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y is equal to tan इनवर्स x plus y by 1 minus by xy if xy less than 0 ये फार्मूला मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है। एक बार रिमाइंड करने के लिए मैं दोबारा से फार्मूला फिर लिख दूंगा, ठीक है। तो जैसे क्या है tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y, मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई इसकी अंदर कंडीशन तो होता है, सारी ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है अंदर कंडीशन डिफाइन होती है, सिर्फ आप पहले की कंडीशंस को याद रखो, ठीक है। याद रखने का तरीका है कैसे बनती है, क्यों बनती है, मैंने आपको बता दिया था इसके अंदर, है ना। आप इसको ये तो देखो मैंने फार्मूला है, आप याद करिए होंगे, रूम भी कर लिया था आपने, है ना। अगर x ये कब अप्लाई एप्लीकेबल होगा, xy लेस देन 1, ठीक है। अगर xy ग्रेटर देन 1 है और भाई xy ग्रेटर देन 1 है तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो नेगेटिव होंगे। अगर दोनों पॉजिटिव है तो क्या करते हैं इसमें पाई करते हैं, और दोनों नेगेटिव है तो माइनस पाई, ठीक है। आपको बस वैल्यू की लेना, ठीक है। फिर आपको जैसे ये लिखा हुआ है उसमें फॉर्मूला, इसके अंदर आप इसको इस तरह से डायल कर सकते हैं, आपको इसकी कंडीशन निकालनी है, आप इसको खोल करके देख लेना। आपको मैंने बताया था कि tan इनवर्स x, जैसे इसको आप लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस में, इसको आप ऐसे लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ माइनस, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो, आप इसको इसमें अप्लाई करोगे तो यही फार्मूला होगा। ये बेसिकली आप tan इनवर्स का फार्मूला करते हैं तो उससे ड्राइव होता है tan इनवर्स x माइनस y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y y 1 प्लस x। समझ गया, ये कब होगा जब xy ग्रेटर देन माइनस, ठीक है। अगर xy लेस देन माइनस 1 है और x पॉजिटिव y नेगेटिव है तो इसको पाई आएगा, तो यहां ठीक है। और xy लेस देन माइनस 1 है और x नेगेटिव y पॉजिटिव है इसको माइनस पाई। आपको ये दोनों फार्मूले याद होंगे, समझ गए होंगे, ये अच्छे से रट गए होंगे। आप इसमें किस तरह से क्वेश्चन आए होंगे, कुछ तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये है, इसकी वैल्यू बताओ tan इनवर्स 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3 is equal to, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो जैसे आपसे, ठीक है। tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3, tan inverse 1 मतलब आपको पता है tan inverse 1 है पाई बाय 4, ये हो आप इन दोनों में आप फार्मूला अप्लाई करोगे, tan inverse 2 हमें पता नहीं है तो tan inverse 2 plus tan inverse 3, तो tan inverse x plus tan inverse y होगा, what is x 2 y 3 तो x से तो y क्या हुआ 6 से कोई हम पर x है 2 y है 3 x से तो y 6 हुआ, तो 6 ग्रेटर देन 1 है ना और दोनों पॉजिटिव है तो इसलिए इसके अंदर ये लगेंगे पाई प्लस, ये फार्मूला ये अपनी दो लाइन कंडीशन पाई प्लस tan इनवर्स 5 2 plus 3 by 1 minus 2 into 1, है ना। आप इसको सॉल्व करोगे होगा पाई बाय 4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स, ये बनेगा माइनस, है ना। सॉल्व करोगे 5 बाय माइनस 5 लोगे सॉल्व इसको आप, तो ये क्या होगा पाई बाय 4 प्लस पाई, इसमें जो tan इनवर्स माइनस होता माइनस पाई बाय 4, यू नो, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, समझ गया आप आगे कोई कंफ्यूजन है इसमें। तो आप इस तरह से इसको आसानी से सिंपलीफाई कर सकते हो। आप जैसे देखो कुछ ऐसे बेसिक फार्मूले होते हैं, जैसे ये आ रहे हैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो tan इनवर्स 1 by 3 plus tan इनवर्स 1 by 5 plus tan इनवर्स 1 by 7 plus tan इनवर्स 1 by 9, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सब कर लो आराम से, क्योंकि पहले दो में tan इनवर्स का फार्मूला लगाओ tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y और फिर वो कहता है tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y लगा लो आराम से, बोलो कोई कंफ्यूजन है। आप देखो वैसे आपको मेनली ये दो पैटर्न तो ये याद है, जैसे देखो ये इस तरह से आ गया। अच्छा एक और आपको एक बात बता देता हूं मैं इसके अंदर इस फार्मूले में, जैसे ये था tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y,
अगर y पास किया जाता tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y plus tan इनवर्स z, इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या होता है, तीन tan इनवर्स है। वैसे तो आपको चार लोगों को सीधे सॉल्व भी कर सकते हो क्योंकि आप पहले इन दो को सॉल्व करते हैं ना, फिर ये आंसर आता है फ्रेंड्स उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन थोड़ी कंफ्यूजन तो इसमें मिलेगी लेकिन मेन फार्मूला तो इसका यही बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ x plus y plus z minus में x y z divided by 1 minus में x y minus y z तो minus हो जाएगा, ठीक है, तीनों को ये ऐसे, ठीक है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो ना कि इसमें ये तब तक भी नहीं होगा जब ये दो वैल्यू होगा, ये दो आंसर है, ये दो आंसर होगा tan cos x plus tan cos y plus tan cos z minus y z, क्योंकि tan cos की रेंज जो होती है वो minus y z से y z होती है, समझ गया ना। इन जनरल जैसे आप इसको सॉल्व करोगे tan इनवर्स, इन जनरल फार्मूला पता करो tan इनवर्स x1 plus tan इनवर्स x2 plus tan इनवर्स xn कितनी भी टर्म्स हो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ s1 minus s3 plus s5 और ये इस तरह से बन जाएगा और डिवाइडेड बाय 1 minus s2 plus s4 minus s6 plus s7, आप समझ के बात नहीं। आप जैसे आपको बोलते हैं s1 s2 s3 ये क्या है, देखो ये s1 का मतलब क्या है, s1 is equal to x1 plus x2 plus by xn sum of xi, ठीक है। s2 का मतलब क्या है, s2 का मतलब है sum of xi को टेक करने का, ठीक है, sum of at any time। s3 का मतलब क्या है, sum of xi c टेकर एट ए टाइम, आप समझ के बात नहीं, टू टेकर एट टाइम आप जानते हो जैसे x1 x2 plus x4 x3 या देखो तो लोगों से भी कितने कंबिनेशन हो गए पड़ेंगे सारे, समझ गया बात नहीं। यस सर। अब देखो तो ये आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो एक कुछ के अंदर सारे, ठीक है। आप जैसे सीधे इसको सिंपलीफाई हो जाएगा, मैं आपको इसको सीरीज के क्वेश्चन बताना चाह रहा था, जैसे ये आप इस तरह से वो सीरीज लिखी हो tan इनवर्स 1 by 3 plus tan इनवर्स 1 by 7 है ना, tan इनवर्स 1 by 13 plus tan इनवर्स 1 by 21 plus 5 अप टू एन, ठीक है, अप टू एन टर्म, ठीक है, इसको सब सॉल्व करना है। कभी भी कोई सीरीज हो ना बच्चों, ऐसी कोई सीरीज आए आप उसको ये टेलीस्कोपिक सीरीज, आपने जब क्लास में टेलीस्कोपिक सीरीज पढ़ी थी उसमें कन्वर्ट होगा, वो ये टेन में कन्वर्ट करना चाहिए किसी को, ठीक है। आप इसको कैसे करोगे, सबसे पहले तो इसकी जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म कैसे निकलेंगे, देखो ये टेन इनवर्स तो सबके लिए गिरा है, आपको इसका तरीका मैंने बता दिया है, देखो साफ कर दे इसको एक बार, देखो जरा एक बार मैं इसको ऊपर लेता हूं, ये है जैसे tan इनवर्स 1 by 3 plus tan इनवर्स 1 by 7 plus tan इनवर्स 1 by 13 plus tan इनवर्स 1 by 21 plus tan इनवर्स and कम वाला ये बोलता है ठीक है, आंसर इसको सिंपलीफाई हम कैसे करेंगे, देखो ये आंसर आपको पता है टेलीस्कोपिक सीरीज आपको पता है उस f को दो पार्ट्स में तोड़ते हैं पता है ना, तो सबसे पहले आप इस f को f को भी आपको देखो tan cos सब पहले के रहा इसकी को निकाल दो या इसकी जनरल निकाल दो, ठीक है। तो जैसे आपको मैंने बताया कि सबसे से डिफरेंस आपने सीख रखा है जैसे इसकी लात देखो आप इसके सब पे आएगा tan cos 1 by इसकी इसकी f को निकाल दो 3 7 13 है ना, आप इसको अलग से लिख सकते हो, ये क्या है 3 7 13 21 और इसको कैसे काटते हैं देखो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये क्या है जैसे इसके अंदर सब सक्सेसिव डिफरेंस करते हैं पहले
पहला क्वेश्चन है नंबर 4 4 आएगा फिर 6 8 10 ऐसे आता जाएगा दूसरी बार डिफरेंस करो तो क्या होगा 2 2 2 दूसरे डिफरेंस के बाद इसकी कांस्टेंट टर्म आ गई तो इसका मतलब इसकी जनरल टर्म क्या हो गया मतलब dx 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 का मतलब ये क्वाड्रेटिक हो गई ना इसमें दिस इज क्वाड्रेटिक इन n तो ये क्या होगा ax2 bn + c समझ गया बात ये तो t1 क्या होगा आपका ये बन गया अब हमें a की वैल्यू निकाल लेंगे a की वैल्यू कैसे निकल जाएगी हमारे पास c की वैल्यू है समझ गया बात तो ये है तो t1 कितना है 3 है तो t1 3 है आपके हिसाब से t1 क्या आएगा a plus b plus c that is equal to c t2 यहां 2 रखोगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा 4a plus 2b plus c is equal to 7 t3 क्या होगा 9a plus 3b plus c is equal to 30 this is 1 this is 2 this is 3 आप समझ you have three equations and three along variables इसीलिए आप इसको सोल्व कर सकते हो जैसे दूसरे में से फर्स्ट को माइनस कर लेना इसी तरह से सेकंड को माइनस कर लेना ठीक है आप एक इसी को कैलकुलेट कर लोगे लिख दो सीधा आप इसको सोल्व करोगे सोल्व में 1 2 एंड 3 बी क्या है a is equal to b is equal to c is equal to 1 क्या आ रहा है सोल्व करो ठीक है ना आपको हो गया आपको कैसे पता लगा पहले मैंने एक क्वेश्चन लिखा है मुझे दिया नहीं इसी तरह क्या होगा इसलिए आप ऐसे लिख दिया समझ गया बात आप इसको निकाल के देखो कर लो आराम से तो इसकी जनरल टर्म फिर क्या होगी दोस्तों इसको ऐसे समेशन में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो समेशन k इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n ठीक है देख रहा है सारे k इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n tan इनवर्स 1 / 1 plus k plus k स्क्वायर क्या ऐसे आप लिख सकते हो इसको आपने जनरल टर्म लिख दी ऐसे अब जनरल टर्म लिखने के बाद इसको मैं बढ़ाऊंगा देखो मैं tan इनवर्स x minus tan इनवर्स y का फार्मूला इन फॉर्मूले में है ना तो देखो बस यही तरह से काम था अब दैट इज फर्दर इक्वल टू क्या इसको ऐसे लिख सकते हो समेशन k इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n tan इनवर्स ये जो नीचे है डिनोमिनेटर में ये क्या 1 प्लस इसमें से k को मार जाएगा ये क्या हुआ k इनटू k प्लस 1 ऐसे आप लिख सकते हो और यहां क्या हो जाएगा इस 1 था इस 1 के मतलब से k ऐड कर दो स्क्वायर का सही शब्द k प्लस 1 माइनस k लिख सकते हो यस सर अब ये क्या बना tan इनवर्स x माइनस y / 1 प्लस x समझ गया पढ़ गया नहीं तो ये क्या हो गया फिर सीरीज समेशन k इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n tan इनवर्स k प्लस 1 माइनस tan इनवर्स k है ना tan x की जगह k प्लस 1 हमारे की जगह किया थोड़ी देर पहले हमने लिखी थी ना अब यहां पर इस पे आप इसको ओपन करो बड़ी टेलीस्कोप की सीरीज है ना आप इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा tan इनवर्स 2 1 प्लस 1 2 है ना माइनस tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स ये फर्स्ट टर्म 2 रखोगे यहां पे एक जगह 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 इट्स ओके प्लस tan इनवर्स 3 रखोगे ऐसे चलता जाएगा चलो tan इनवर्स आप ये हो जाएगा 4 माइनस tan इनवर्स 3 ठीक है और ऐसे अप टू n तब जैसे आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स n + 1 माइनस tan इनवर्स n ये क्लियर अब देखो ये tan इनवर्स 2 यहां प्लस यहां माइनस कैंसिल ऐसे tan इनवर्स 3 यहां प्लस यहां माइनस कैंसिल ऐसे tan इनवर्स 4 भी कैंसिल हो जाएगी ब्रैकेट में सिर्फ क्या बचेगा ऐसे कैंसिलेशन चलेगा बस ये तो ये बचेगा और ये किसी से कैंसिल नहीं हुआ ये आगे किसी से कैंसिल होता होता है होता तो आपका आंसर क्या हो गया इसका n टर्म्स का सब तो ये बचेगा tan इनवर्स n + 1 माइनस tan इनवर्स बोलो कोई कंफ्यूजन है अब ये हो गया ठीक है n टर्म्स का सब ये होगा अगर आपको इसको इनफाइनाइट टर्म्स का सब पूछ लेता तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं आप कभी भी इनफाइनाइट टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं आप एन टर्म्स का सम निकालो एन को इनफाइनाइट को कैट करा लिमिट लगा दो पर है ना तो sum of infinite terms क्या होगा sum of infinite terms that will be equal to limit n tends to infinity s होता था नहीं तो जब आप इनफिनिटी को कैट कराओगे तो यहां पर ऐसा है ये इनफिनिटी
हो जाएगा हम तो tan इनवर्स इनफिनिटी का होता है पाई बाय 2 तो आंसर आपका क्या हो जाएगा पाई बाय 2 को tan से पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स वन कितना होता है पाई बाय 4 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फाइनल आंसर समझ आ जाएगा tan इनवर्स ना सॉरी पाई बाय 4 आप समझ गए या tan इनवर्स 1 भी लिख सकते हो आप कोई कंफ्यूजन है कर सकते हो आराम से तो इस तरह से इसको सिंपलीफाई करना है बोलो समझ गए अब हमें इसमें थोड़ा सा हिंट आया कोई भी ऐसी सीरीज दिखा तो एक तो दूसरे का और बताता हूं आपको देखो साफ कर दे जैसे देखो आपसे पूछ लिया सम ऑफ द सीरीज कोट इनवर्स 2 प्लस कोट इनवर्स 8 प्लस कोट इनवर्स 18 प्लस कोट इनवर्स 32 लाइक दिस आपको एंड करना इस सीरीज में समझ तो मैं सबसे पहले तो इस वाली में क्या बच्चों कोड में लिखा क्या है मैंने बताया इसको किस वाली में सबसे पहले 10 तो ये क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 2 पहले इसको इसी जनरल में काट कर है ना चाहे तो उसी तरह सक्सेसिव डिफरेंस करके निकाल दो लेकिन ये आसान से पता लग जाता है तो ये 2 है ना ये कितना है 8 यानी 4 * 2 है 2 * 4 ये कितना है 9 * 2 ये कितना 16 * 2 देखो ये कितना 2 2 into 1, 2 into 4, 2 into 9, 2 into 16, 16 means 4 square, 9 means 3 square, है ना? तो इसकी इसका मतलब इसकी जनरल क्या हो जाएगी? 2x square हो जाएगी अपने नहीं? तो आप इसकी जनरल टर्म का ऐसे लिखोगे समेशन इस पर ऐसे लिख सकते हो m k is going from 1 to n, है ना? और ये क्या हो जाएगा? 4 inverse 2 k square. आप इसको ऐसे लिख सकते हो फिर फर्दर इसको क्या लिख सकते हो समेशन फिर इसको मैंने बताया था tan में कन्वर्ट करोगे आप क्या होगा भाई k इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n tan इनवर्स 1/2 k स्क्वायर हो जाएगा है ना अब हमने इसको टेलीस्कोपिक सीरीज बनाना तो अब हमें मुझे पता यहां क्या लिखना है इसका इसको कैसे कन्वर्ट करना है इसको मुझे लिखना है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y ठीक है वो किस तरह से बनेगा tan इनवर्स x माइनस और x और y की जगह नंबर से वो पहले वाले में तो आप एक छोटा सा काम करोगे आप यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से डिवाइड करोगे ये फर्दर क्या हो जाएगा समेशन k इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n tan इनवर्स 2/4 k है ना ऐसे कर सकते हो ठीक है आप ये क्या हो जाएगा दैट इज फर्दर इक्वल टू समेशन k इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n बस एक बार आपको ये आईडिया आ जाएगा ना तो आराम से आप बता सकते हो tan इनवर्स इस 2 को लिख लेना 1 प्लस 1 लिख सकते हो 1 प्लस 1 और इस इसको तो लिख लो क्या फॉर्म प्लस और प्लस में इस में कोई और किसी को ऐड करने का 4 के स्क्वायर माइनस ऐसे लिख सकते हो देखो अब इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 के प्लस 1 इज 2 के माइनस ऊपर 2 के ऐड कर देना 2 के माइनस कर देना कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा देखो यहां 2 के ऐड कर देता हूं माइनस प्रॉब्लम तो इसको फिर ऐसे लिख सकते हो समेशन k इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n tan इनवर्स ये क्या होगा 2k plus 1 minus यहाँ से common लेना 2k minus 1 तो वही है ना expression तो और divided by 1 plus 2k minus 1 into 2k plus 1 अब ये बन गया वही tan inverse x minus y by 1 plus x what is x 2k plus 1 and what is y 2k minus 1 है ना तो ये क्या हो जाएगा that is equals to summation k is going from 1 to n that is equals to tan inverse 2k plus 1 minus tan inverse 2k minus 1 बोलो समझ गए आप बात को ठीक है अब इसके ऊपर आप 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा tan आप इसको ऊपर बना सकते हो tan inverse c माइनस tan इनवर्स 1 है ना
पास जाएगा tan इनवर्स अब तो आप पॉइंट ले आएगा और इसका 2n plus 1 minus tan इनवर्स 2n minus 1 लो होगा अब देखो tan इनवर्स p हम प्लस यहां माइनस आगे कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा अपन एक तो ये किसी कैंसिल नहीं हुआ ये किसी से कैंसिल नहीं हुआ तो आंसर इसका भी क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2n plus 1 और माइनस tan इनवर्स है ना अब इन फाइव एंड टर्म्स का सम निकालो और उसी तरह मैंने डिफरेंशिएट करा दूंगा तो ये यहां इंफिनिटेड होगा तो tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होगी पाई बाय 2 और tan इनवर्स होता पाई बाय 4 आगे आपके पास कर लो इस तरह से सॉल्व की ठीक है तो भाई किस तरह से इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा tan इनवर्स देखो एक दो क्वेश्चन और देखो साफ जैसे ये सीरीज आ जाए समेशन के इज गोइंग फॉर 1 टू n कोट इनवर्स 2 प्लस में k स्क्वायर प्लस k रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 इसको आपको सॉल्व करना है ठीक है इसको कैसे सॉल्व करोगे देखो आप ये भी के कुछ कुछ संख्या चार पांच साइड के नहीं वैसे कोई कभी इसी तरह बोल सुनाएगा बस थोड़ा बहुत ठीक है इसको सॉल्व करना है कैसे करोगे इसको सिंपलीफाई करोगे देखो ये क्या होगा समेशन k इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n सबसे पहले तो कोट इनवर्स को किस में कन्वर्ट करोगे tan करोगे ये क्या होगा tan इनवर्स 2k / ठीक है और ये हो जाएगा 2 प्लस में k स्क्वायर प्लस k रेज टू पावर ठीक है आप इस 2 को लिख लेना 1 प्लस 1 लिख सकते हो आप देखो ये क्या हो जाएगा समेशन इसको भी हमें टेलीस्कोपिक सीरीज मान ली k इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n tan इनवर्स और इस k को लिखना मैं k प्लस 1 k प्लस k तो समेशन k इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n कोट इनवर्स 2 प्लस में k स्क्वायर प्लस k रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 k ठीक है देख रहे हैं आप दिखाई दे रहा है अच्छे से ठीक रहता हूँ ठीक है मतलब दबा के लिखो सर आपको इसको सॉल्व करना है दैट इज इक्वल टू कैसे सॉल्व करोगे समेशन k इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n मैंने आपको बताया था कोट समेशन इसको किस में कन्वर्ट करना है tan में करना क्योंकि tan के tan के फार्मूले में जी भी आते रहते हैं ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ये क्या होगा 2k डिवाइडेड बाय इस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस k स्क्वायर प्लस k की पावर 4 होगा इसको आप कैसे लिख लेना 2 को 1 प्लस 1 लिख सकते हो k स्क्वायर प्लस k की पावर 4 आप तो बोलिए क्यों ऐसे को लिखना भाई हमें इसको स्प्लिट करना है इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y उसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y / 1 प्लस x / y तो नीचे तो 1 प्लस तो करना ही पड़ेगा इसमें तो इसलिए इसको ऐसे लिख लिया आप देखो ये जो है इसके तो फैक्टर्स हैं ठीक है और इसके तो लॉग फैक्टर है ज्यादा इसके फैक्टर 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के की पावर 4 ये कब बच्चे याद करते हैं इसको आप याद रखना ये आपको मैंने पहले भी कई बार बताया था x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर की आइडेंटिटी पर प्लस y की पावर 4 इसके फैक्टर क्या होते हैं x स्क्वायर प्लस xy प्लस y इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई ठीक है कैसे करें आप इस बात को याद रखना कि काफी होगा ठीक है काफी जरूरी है आप इसको सोल्व करते हो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 इसमें अपनी मर्जी से एक ये 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड तो आप माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हो ये क्या हो गया यहां से याद रख x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में xy का होल स्क्वायर अब जब आप इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा a प्लस b इनटू में a माइनस b x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy इनटू में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x ठीक है ये है ना
तो ये मैंने आइडेंटिटी बनी, जैसे आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है उसी तरह से होती है, लेकिन इसको कम बच्चे याद करते हैं, ये प्लस नाइन डेट होती है। अब देखो ये भी है, ये वन प्लस के स्क्वायर प्लस के रेस टू पावर फोर, व्हाट इज एक्स हियर वन, व्हाट इज वाई के, वन रेस टू पावर फोर वाई रेस टू पावर फोर इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, वन प्लस के स्क्वायर है ना इंटू में वन माइनस के प्लस के स्क्वायर, यही होगी। यस सर। तो आप इसको फैक्टराइज कर लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, समेशन, और इस k को आप लिखेगा k प्लस k, ठीक है। क्या लिख दो इस k को, और फिर इसको अपने मर्जी से k स्क्वायर प्लस वन ऐड कर देना, पहले अच्छे लिखता हूं मैं tan इनवर्स, ये क्या बनेगा वन प्लस इसके फैक्टर क्या होंगे, अभी वो बढ़ाए क्या होंगे, वन प्लस के स्क्वायर इनटू में वन माइनस के प्लस के स्क्वायर, बोलो कोई कंफ्यूजन है। इसको ऊपर आप क्या करोगे, k प्लस k, फिर उस फॉर्मूले पर जिसे k प्लस k स्क्वायर प्लस 1 ऐड कर देना, k स्क्वायर प्लस 1 माइनस, तो ये फर्दर ये इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, आप समझ जाओगे मेरे ख्याल से, k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 और माइनस में k स्क्वायर माइनस k प्लस 1, क्या ये एक्सप्रेशन और बट तो ठीक होगा, होगा या नहीं। अब ये क्या बन गया, tan इनवर्स x माइनस y, tan इनवर्स x माइनस y y1 प्लस x, आप समझ गए। तो ये क्या बन गया फार्मूला, k इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n, हमें यहां पे समेशन k इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n, दिस इज tan इनवर्स x मींस k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 माइनस tan इनवर्स y k स्क्वायर माइनस k प्लस 1, बोलो कोई कंफ्यूजन है, समझ गए। तो ये क्या बन गया आपका, दैट इज इक्वल टू समेशन, अब इसको ओपन करोगे समेशन को, अब उसी तरह से बन जाएगी टेलीस्कोपिक सीरीज, क्या बनेगा tan इनवर्स 1 रखोगे 1 स्क्वायर tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1, है ना, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 प्लस, अब आप यहां 2 रखोगे तो tan इनवर्स 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 यानी tan इनवर्स 7, है ना, ठीक है। माइनस में tan इनवर्स 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1 tan इनवर्स 3, यही आएगा, सॉल्व कर लो आगे लिख लो इसको, प्लस का अप टू लास्ट में क्या होगा, tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 3 से tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 7 से सब कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, तो ये बचेगा और एक चीज, है ना, फर्स्ट और लास्ट जैसे अभी तक सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है। अब कोई फाइनाइट टर्म्स का सब इसमें भी n टेंड्स टू इनफिनिटी टर्म का ना, ये भी पाई बाय 4 आ जाएगा, सॉल्व कर लो आप इस तरह से, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा देता हूं, एल्जेब्रिकली फॉर्मेशन की सीरीज किसी भी किसी भी सीरीज वो भी ऐसी है, समझ गया ना बात, देखो क्या लिख सकते हो आप, tan इनवर्स ये जो 1 है 1 है,
तो वन ऑलरेडी है ना, ये क्या बन गया, इसमें से x को बना जाएगा x प्लस वन, x इक्वल x प्लस वन, ठीक है, प्लस tan इनवर्स, ये तो 3 है, इसको क्या लिखोगे, 1 प्लस, क्या लिखोगे, 1, क्योंकि वो 1 को अलग से ही होता है ना उसको, इसलिए 1 प्लस 2, तो ये फिर बन जाएगा 2 प्लस 3x प्लस x स्क्वायर, ये सिर्फ ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3x प्लस x स्क्वायर, इसके फैक्टराइज करो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के फैक्टर क्या होते हैं, x प्लस 2 इनटू x प्लस 1 होंगे, तो आप मैं इसको डायरेक्टली लिखोगे 1 बाय 1 प्लस, ये क्या बन गया भाई, x प्लस 2 इनटू में x प्लस 1, समझ गया बात, और प्लस tan इनवर्स 1 बाय, इसको भी सेम को क्या लिखते होंगे, 1 प्लस 6 है ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 5 x प्लस x के कट ऑफ स्क्वायर फैक्टर, ये भी क्या बनेगा, 1 प्लस x प्लस 2 इनटू में x प्लस 3, आ गया तो बात समझ, प्लस में अप टू एन, ऐसे चलता जाएगा, अब जो ये 1 नहीं है अब ये 1, इस 1 को आप क्या लिख लो, x प्लस 1 माइनस x लिख सकते हो, इस 1 को x प्लस 2 माइनस x प्लस 1 है तो वही ना, इस 1 को x प्लस 3 माइनस x प्लस 2 लिख सकते हो आप ऐसे, इसी तरह से इनपुट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, फंक्शन में बन गया tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस x प्लस 1, ये क्या बन गया tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस y बन गया, तो सारे क्या बन गया, इस इसकी फर्स्ट टर्म ये क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस में tan इनवर्स ये क्या बन गया, x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स x प्लस 1, ठीक है, प्लस ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x प्लस 3 माइनस tan इनवर्स x प्लस 2, और इसी तरह से अब तो n टर्म होगी, वो क्या बन जाएगी आपकी, tan इनवर्स जैसे तू तू पहले टर्म में x प्लस 1 दिए था ना, तो n टर्म ये क्या हो जाएगी, x प्लस n माइनस tan इनवर्स x प्लस n माइनस, आप समझ गए, ये भी टेलीस्कोपिक सीरीज है, देखो ये tan इनवर्स x प्लस 1 यहां से कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, कि आगे कैंसिल हो जाएगा है, तो ये किसी से कैंसिल नहीं होगा, और देखिए तो इस सीरीज का सम तो सिर्फ यहीं तक आ गया, tan इनवर्स x प्लस n माइनस में tan इनवर्स x, आप समझ गए, ठीक है, ये इसका आंसर है, इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना होता है, तो इन्फिनिटी टेंड करा देते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म आपसे पूछ लेता हूं, इनफाइनाइट टर्म्स तो इनफिनिटी को टेंड कराते तो n इनफिनिटी हो जाता, तो यहां क्या हो जाता, पाई बाय 2, क्या हो जाता भाई, पाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस में tan, और पाई बाय 2 माइनस tan में सो x को लिख सकते हो, क्या बात को समझ गए, इसको कर लो गलत तरह से, तो tan में ऐसी वो सीरीज हो तो इसको ऐसे सोच रहा, इन्हीं को आप cos इनवर्स में लिख सकते हैं, sin इनवर्स में लिख सकते हैं, sin इनवर्स, लेकिन आपको किस में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स, tan इनवर्स, समझ गए, कहीं और बच्चों को बात ही आप देखो, तो भाई एक तो ऐसे क्वेश्चन था पे इसके अंदर, ठीक है, एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन है साथ में कुछ, और वो फॉलो करके इसको आपको मैंने सिखाया है, तो आप जैसे कि कुछ और फार्मूला आप देखो इसी से बने, देखो एक ये फार्मूला है 2 tan इनवर्स x, अगर कहना इसके चार फार्मूले हो, ठीक है, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू, अच्छे से समझ लेना, मेरे को इनकी भी कंडीशन की कंडीशन याद रखना आसान है, इजी है, एक बार कबल लूजिएगा आपको बता देता हूं कैसे बनते हैं कंडीशंस, ठीक है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x by 1 minus x का
माइनस वन इज लेस देन एक्स लेस देन वन. अगर एक्स ग्रेटर देन वन है तो ये क्या हो जाएगा भाई, पाई प्लस टैन इनवर्स, पाई प्लस टैन इनवर्स टू एक्स पाई वन. एक्स लेस देन माइनस वन है तो ये हो जाएगा माइनस पाई प्लस टैन इनवर्स टू एक्स पाई वन. आप समझ गए, ठीक है. इसी तरह से देखो मैं एक बार ये सारे लिख देता हूं, फिर के आपको वहां जिसके डेरिवेशन बताओ तरीके बताओ कैसे आते हैं. इसी तरह से टू टैन इनवर्स एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू, टू टैन इनवर्स एक्स इज क्या इक्वल होता है, साइन इनवर्स 2x by 1 plus में x square, ठीक है. ये कब, जब minus 1 is less than x less than 1, ठीक है. अगर x greater than 1 होगा तो आप इसमें क्या करोगे, pi minus में sin inverse 2x by 1 plus x square, ठीक है. और x less than minus 1 है तो ये क्या हो जाएगा, minus pi माइनस साइन इनवर्स टू एक्स बाई वन प्लस एक्स, ठीक है. टू टैन इनवर्स एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू, इसके तीन फॉर्म्स हैं, एक साइन इनवर्स की फॉर्म में, एक टैन इनवर्स की, एक कोस इनवर्स की, ठीक है. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स, ठीक है. ये कब, जब एक्स ग्रेटर देन एक्स, ठीक है. और अगर x लेस देन 0 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में cos इनवर्स 1 माइनस में x स्क्वायर बाय 1 प्लस x, ठीक है ना. अब आपको ये कैसे, इस तरह से तीन फार्मूले कैसे बनते हैं, देखो ये वाला ऊपर वाला तो ऊपर ले लेंगे, tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y निकाला तो सही निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना, क्यों भी है ना. भाई जैसे अभी आपको सूत्र क्रिया किया ना, जो फार्मूला लिखा हुआ था, इस 2 tan इनवर्स x को आप ऐसे लिख सकते हो, tan इनवर्स x plus tan इनवर्स x लिख सकते हो ना, ठीक है. तो उससे प्रॉब्लम से कंपेयर करा पाओ हां, और भी तरीके से बताया जा सकता है, जो वो 2 tan का फार्मूला, tan का फार्मूला पढ़ते हो उससे बनता है ये. तो tan इनवर्स x plus tan इनवर्स x की जगह क्या होगा, x y की जगह क्या होगा, x x. तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो बड़ा था मुझे तो लिखा था, tan इनवर्स x प्लस एक्स है ना डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स इनवर्स एक्स, मींस क्या हो गया, टैन इनवर्स टू एक्स बाय वन माइनस एक्स के होगा. लेकिन कब होता है ये फार्मूला, आपको याद होगा एक्स वाई लेस देन वन था तभी है ना, एक्स वाई लेस देन वन का मतलब एक्स के एक्स और वाई के एक्स है, तो यानी एक्स के लेस देन वन होना चाहिए ना, जल्दी बोलो, एक्स के लेस देन वन है तो इसका मतलब एक्स के माइनस वन लेस देन जीरो होगा, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन यही होगा माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन वन, यही होगा. थोड़ा समझ गए, या फिर इसमें क्या करोगे, पाई ऐड कर दोगे, पाई प्लस है ना टेन इनवर्स टू एक्स बाई वन माइनस एक्स. ये कब होता था, जब भाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई ग्रेटर देन वन हो, वन होने का मतलब एक्स स्क्वायर है ना, समझ गया बात. तो इसमें क्या था, एक्स वन एक्स अगर ग्रेटर देन वन हो तो इसमें एक्स ही वाई तो है, इसमें क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो है ना, तो एक्स ग्रेटर देन वाई वाई एक्स अगर ग्रेटर देन वन है तो पिछले जीरो से बड़ा ही हुआ है ना, सुन बात. और अगर एक्स लेस देन माइनस वन है, आप समझ गए बात, कर लो क्या आराम से. तो दूसरे वाला देखा क्या है, इसको देखो दूसरे वाले, इसको साइन इनवर्स में कैसे लिखा है. तो आप सबसे पहले इसको मैं आपको बताता हूं, देखो आपने साइन 2a पढ़ा था ना, साइन 2a 11th क्लास में आप पढ़ते थे साइन 2a को, पढ़ते थे 2 साइन a को, एक फार्मूला tan के फॉर्म में पढ़ते थे 2 tan a / 1 plus tan स्क्वायर a होता था ना, ये उसकी वजह से होता था, ठीक है. आप tan इनवर्स x को कितना मानते हैं, क्या मान लो tan इनवर्स x को तो x क्या हो जाएगा बच्चों, tan थीटा. इसको प्रूफ करना है ना, इसको तो इसको जरा ये पूछ लेते हो, कंसीडर sin इनवर्स ऑफ 2x / 1 + x,
ठीक है, तो यहां पर x की जगह sin थीटा पुट करोगे, सॉरी tan थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 plus tan square थीटा। क्या आप समझ गए बात, है ना? ये क्या होगा इसका sin इनवर्स हो, sin 2 थीटा होगा 2 tan थीटा बाय 1 plus tan थीटा, 1 plus tan square थीटा, sin 2 थीटा होता है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, आपने थीटा से लिए कि इसका आंसर 2 थीटा आ तो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 थीटा, लेकिन कब आएगा जब x - जब ये 2 थीटा हो, आपने पढ़ा साइन इनवर्स ऑफ साइन x, ये कभी भी हम कैंसिल ऐसे नहीं कर सकते, ये हमने बहुत सारे कार्यों से निकाले कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x, इसका आंसर x तभी होगा जब माइनस पाई बाई टू इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू, पढ़ते थे ना ये, है ना? तो इसका आंसर 2 थीटा कब होगा, दैट इज इक्वल टू 2 थीटा इफ माइनस पाई बाई टू इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई, सो 2 थीटा लेस देन इक्वल टू, और आगे आपको बात समझ में तब ये आएगा, और थीटा इधर कितनी है, थीटा tan इनवर्स एक्स, है ना? तो ये क्या बन जाएगा, तो इस तरह से भाई होगा प्रूफ, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स एक्स। अब आप ये कहोगे ये किस कंडीशन में आ रहा है, इसलिए इसीलिए कंडीशन है क्योंकि जब देखो ये वैल्यू आ जाएगा ये x आपका माइनस 1 से 1 के बीच में रहेगा, तो tan इनवर्स x कहां से कहां आएगा, जब आपका x माइनस 1 से 1 के बीच में है तो इस पर tan इनवर्स अप्लाई करोगे तो tan इनवर्स माइनस 1 इज लेस देन tan इनवर्स x लेस देन, समझ रहे हो बात, तो ये कहां से कहां इक्वलिटी होगी, समझ गए कहां से कहां होगा, माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर, है ना? टू से मल्टीप्लाई करोगे तो कहां हो जाएगा भाई, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो दोनों सेटिस्फाइड है, ठीक है? अब आपको बोलेगा एक्स वन से बड़ा है तो एक्स वन से बड़ा है तो वन से इंफिनिटी होगा, तो इस पर टेन इनवर्स अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा फिर, पाई बाई फोर से पाई बाई टू, है ना? यही होगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 से पाई, समझ में आ रही बात है, है ना? पाई बाय 2 से पाई, इस केस में ये तो लाइन आएगा पाई बाय 2 से पाई, और इसकी वैल्यू तो तुम्हें पता ही है x क्या होगी, ये तो साइड इनवर्स का मतलब है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लेना है या नहीं, अब x ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या है 2x की पॉजिटिव, क्योंकि है ना ये 1 plus x के भी पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 0 से पाई बाय 2 के बीच में रहेगा या नहीं, अरे रहेगा ना, बोलो ठीक है, sin इनवर्स जो है 0 से 1 के बीच में तो वैल्यू मिलता 0 से पाई बाय 2, और माइनस 1 से 0 के बीच के लिए लेता है माइनस पाई बाय 2 से 0, तो ये तो पॉजिटिव है तो 0 से पाई बाय 2 होगा, इसलिए इसमें पाई माइनस, तो ये माइनस का आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाय 2 से 0, पाई से माइनस करो आगे बस कर, और अगर x लेस देन माइनस 1 है तो ये नेगेटिव होगा, तो ये माइनस 2x होगा, बोलो ये और नेगेटिव बन जाएगा, बोलो सब की बात है, तो ये नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव बनेगा तो माइनस पाई, तो ये नेगेटिव होगा, फिर आगे इसके इसके में माइनस लगा दिया, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस पाई बाय टू, इसलिए इनकी कंडीशन होती है, ठीक है? और इसी तरह से जो तीस ये लिखा हुआ है इसको भी आप आराम से पुट कर लोगे, क्योंकि यहां पर पुट करोगे क्या tan थीटा, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है, होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 थीटा बचेगा, लेकिन इसका आंसर में कब आएगा 2 थीटा, जो कि 0 से पाई के बीच में, है ना? तो आपको पता है x के वेक्टर में ऐसे ही बात होगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड की में ये भी आंसर का रहेगा, इसका आंसर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस पाई से पाई होगा, तो माइनस पाई से पाई ही आएगा, आगे आपको बात समझ में, तो एकदम x 0 से बड़ा होगा इसका आंसर क्या होगा 0 से पाई, क्योंकि इसका आंसर 0 से पाई होगा, होगा या नहीं होगा, तो भी होगा नहीं, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो tan इनवर्स x कहां से कहां आएगा, मिलेगा 0 से पाई, है ना? तो 2 tan इनवर्स x कहां से कहां मिलेगा, 0 से पाई, आगे आपको बात समझ, तो इसमें होगा x लेस देन 0 है तो इसका आंसर क्या होगा माइनस पाई से 0, इसलिए इसका माइनस का साइन लगा दिया, इसमें तो प्लस माइनस का कोई फर्क पड़ता ही नहीं, इसके लिए तो नहीं आगे आपके पास हो, तो अच्छे से ये कंडीशन समझ में आ गई, याद रह जाए चार के पर उनको अपने आप से निकालना ड्राइव करके नहीं करना, समझ में ठीक है, कर लो यार। अब देखो एक
तरह से एक फार्मूला ये होगा सबको इसको सी टैन इनवर्स एक्स अगर ये आ गया थ्री टेन इनवर्स एक्स सर्कल में टेन इनवर्स के बारे में डिस्कशन करता हूं थ्री टेन इनवर्स एक्स हालांकि आप इसको उसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं थ्री टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है वैसे तो ये बनेगा कि टेन इनवर्स सी टेन वाला टेन थ्री वाला फर्क पड़ गया ये क्या होगा थ्री एक्स माइनस एक्स टी बाई वन माइनस थ्री एक्स लेकिन कब कंडीशन इसके साथ में भी रहती है कि माइनस वन बाई थ्री इज लेस देन एक्स इज लेस देन वन बाई टू ठीक है अगर एक्स ग्रेटर देन वन बाई थ्री है तो इसको पाई प्लस टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यू बाई वन माइनस थ्री एक्स ठीक है और अगर एक्स आपका लेस देन है माइनस वन बाई थ्री तो ये क्या बन जाएगा माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस में एक्स क्यू बाई वाई वन माइनस में थ्री एक्स ठीक है ये किस तरह से बना ये दूसरी तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा देखो ये जैसे मैंने आपको लिख रखा है थ्री टेन इनवर्स एक्स देखो आपको ये कैसे पता लगेगा देखो tan 3 का फार्मूला है आपको tan 3 क्या होता था c tan a माइनस tan 2 a बाई 1 माइनस 3 tan k होता था आप ये याद रहा है a की जगह कितना x लिख रखा है ना देखो इसको अगर प्रूफ करना है तो आप ऐसे प्रूफ कर सकते हो tan इनवर्स x को कितना मान लिया तो इस बात का मतलब क्या हो जाएगा tan थीटा किसके हो जाएगा बच्चों x के है ना तो वो ये जरा कंसीडर करो कंसीडर tan इनवर्स 3x माइनस में x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस में 3x स्क्वायर आप इसको कंसीडर करो तो ये क्या होगा भाई tan इनवर्स x की जगह रख दोगे tan थीटा तो ये क्या हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर ठीक है क्या बन गया ये फार्मूला That is equal to tan inverse of tan 3 theta हो गए हाँ This is equal to tan inverse of tan 3 theta clear है अब इसका आंसर 3 theta हो सकता है कब होगा लेकिन equals to 3 theta if 3 theta minus pi by 2 is less than 3 theta is less than pi ठीक है और थीटा मतलब tan इनवर्स एक्स आगे बात समझिए तो आप देखो ये यही कंडीशन ली है देखो आप इसके बीच में लाए जाएगा माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू जब आपका एक्स माइनस वन पाई बाई थ्री से वन पाई बाई थ्री लाई जाएगा तो tan इनवर्स एक्स कहां से कहां लाई करेगा जब एक्स आपका माइनस वन पाई बाई थ्री से वन पाई बाई थ्री करेगा तो tan इनवर्स एक्स कहां से कहां करेगा माइनस पाई बाई सिक्स से गुण पाई बाई सिक्स वो कुछ करेगा नहीं करेगा माइनस पाई बाई सिक्स से पाई बाई सिक्स करेगा उसको तीन से मल्टीप्लाई कर दिया देखो ना है ना है ना देखो इधर से ये लिखा ये था ये दो लिख रखा है माइनस पाई बाई सिक्स इज लेस देन इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू स्ट्रिक्टली लेस देन पाई बाई सिक्स करेगा या नहीं करेगा बोलो करेगा ना भाई इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस पाई बाई टू लेस देन 3 टेन इनवर्स एक्स लेस देन पाई ठीक है तो आगे जो तो सेम ये भी माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू होगा ये माइनस में तो इसको तो सेटिस्फाई कर गए अच्छा उसी तरह से अगर x 1 बाई रूट 3 से बड़ा होगा तो टेन इनवर्स एक्स किससे बड़ा हो जाएगा पाई बाई सिक्स से बड़ा हो जाएगा है ना तो पाई बाई सिक्स से बड़ा हो जाएगा तो आपको 3 टेन इनवर्स एक्स कहां से किससे बड़ा हो जाएगा पाई बाई टू से बड़ा हो जाएगा तो इसलिए आगे आपको बात समझ बोलो समझ गए अरे ठीक है और इसीलिए इसके अंदर अगर x माइनस वन बाई थ्री से छोटा होगा तो टेन इनवर्स एक्स किससे छोटा होगा माइनस पाई बाई सिक्स से छोटा
3 tan inverse x minus 5 tan inverse 4 आगे बात इसलिए इसे मैं तो माइनस कर लो यार आप तो आप इन कंडीशंस को अच्छे से समझ लो अच्छे से कर लो ठीक है ओके चलो कितने टाइम हो गया 43 मिनट्स 31 सेकंड्स